नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत है आप सबका हमारे नए एपिसोड फिल्मी टॉक में। यहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी मूवी आई और कौन सी मूवी गई, साथ ही आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है आजकल हॉलीवुड में। यहां पर आपको आपके पसंदीदा एक्टर्स के बारे में भी जानने को मिलेगा कि क्या कुछ चल रहा है उनकी निजी जिंदगी में। इसमें मैं करने वाला हूं बहुत सारी बातें जो जुड़ी होगी हॉलीवुड मूवीज से, तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि मार्वल स्टूडियो की मोस्ट अवेटेड मूवी एवेंजर 4 के ट्रेलर का हिंदी डबिंग हो चुका है। जिस दिन इस मूवी का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज होगा उसी दिन इस मूवी का हिंदी ट्रेलर भी रिलीज होगा। आपको बता दें कि एवेंजर 4 मार्वल स्टूडियो की एक सुपर हीरो मूवी है जिसमें कई सारे सुपर हीरो एक साथ दिखाई देंगे। इस मूवी का पिछला पार्ट बहुत ही जबरदस्त था जो इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड मूवी बन गई थी। इस मूवी का ट्रेलर हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है, साथ ही इस मूवी का रिलीज डेट भी कर दिया गया है कन्फर्म। ये मूवी 3 मई 2019 को रिलीज होगी। हॉलीवुड की अपकमिंग मूवी द लायन किंग का हिंदी ट्रेलर कर दिया गया है रिलीज। ये मूवी इंडिया में 19 जुलाई 2019 को रिलीज होगी। द लायन किंग एक एडवेंचरस मूवी होगी जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं जॉन फेवरो, जिन्होंने इससे पहले इसी तरह की एक मूवी जंगल बुक को भी डायरेक्ट किया था। द लायन किंग इसी नाम की एक एनिमेटेड मूवी का रीमेक होगा। अगर आप इस मूवी का हिंदी ट्रेलर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि डीसी की अपकमिंग सुपर हीरो मूवी एक्वामैन ने रच दिया है इतिहास। इस मूवी ने 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा एडवांस टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पहले ये अनोखा रिकॉर्ड मार्वल स्टूडियो की सुपर हीरो मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वार के नाम दर्ज था, यानी कि लोग एक्वामैन मूवी को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। इस मूवी का हिंदी ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा। एक्वामैन का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि डीसी इस मूवी के जरिए फिर से अपने वापसी कर सकती है, लेकिन एक्वामैन के शानदार एक्शन एवं दमदार डायलॉग देखकर ऐसा लग रहा है कि डीसी के अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको बता दें कि ये मूवी इंडिया में 14 दिसंबर 2018 को हिंदी में रिलीज होगी। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर ह्यू जैकमैन, जो अपने ऑलवरीन रोल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि अब वे किसी भी कॉमिक बुक के सुपर हीरो या विलेन का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। दरअसल कुछ सालों से ह्यू जैकमैन एक्समैन मूवी सीरीज में ऑलवरीन का रोल प्ले करते नजर आ रहे थे, लेकिन साल 2017 में आई मूवी लॉगन उनकी ऑलवरीन के रूप में आखिरी मूवी थी। इसलिए ह्यू जैकमैन ने कहा है कि उन्हें कॉमिक बुक के किसी भी सुपर हीरो या विलेन का रोल प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है। मार्वल स्टूडियो ने स्पाइडरमैन मूवी सीरीज की दो अपकमिंग मूवीज का रिलीज डेट कर दिया है कंफर्म। खबरों के अनुसार स्पाइडरमैन मूवी सीरीज की पहली मूवी 10 जुलाई 2020 को और दूसरी मूवी 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज होगी। हालांकि अभी तक इन मूवीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है कि कौन एक्टर होगा इन मूवीज के लीड रोल में। कायस ये लगाए जा रहे हैं कि इस मूवी सीरीज की पहली मूवी जैरेड लोटो द्वारा अभिनीत मॉर्बियस हो सकती है और दूसरी पिछले महीने रिलीज हुई टॉम हार्डी की मूवी वेनम का सीक्वल हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो लाइक करें, और अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करें, और आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।